नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। वुमेन्स T20 चैनल के फाइनल मुकाबले में दो बार की चैंपियन सुपरनोवास के सामने ट्रेल ब्लेजर्स की टीम थी। टॉस जीतकर सुपरनोवास के कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। राधा यादव ने रिकॉर्ड 5 विकेट लेकर ट्रेल ब्लेजर्स की टीम को निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 118 पर रोक दिया। ट्रेल ब्लेजर्स की तरफ से कप्तान स्मृति मंधाना ने सर्वाधिक 68 रनों की पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सुपरनोवास ने भी शुरुआत बेहद खराब की और दूसरे ही ओवर में चमारी अटापट्टू LBW आउट होकर वापस पवेलियन लौट गए। इस दौरान सुपरनोवास के फील्डरों ने कमाल का प्रदर्शन किया। आपको बता दें, दूसरे ओवर की पहली गेंद पर जेमेमा रॉड्रिक्स ने थर्ड मैन की दिशा में एक शॉट खेला। गेंद सीधे तौर पर नजर आ रही थी कि चौके के लिए जा रही है, लेकिन गेंद के पीछे थाई क्रिकेटर नटकन चंटम दौड़ रही थी। साफ लग रहा था गेंद से वो काफी दूर है, लेकिन इसके बाद बाउंड्री लाइन से ठीक पहले उन्होंने एक शानदार डाइव लगाई। उन्होंने अपने आप को हवा में उछाल दिया और लाइन से बाहर जाने से पहले गेंद को हल्के से अंदर की ओर धकेल दिया और बुरी तरीके से अपने चेहरे के बल पर जमीन पर गिरी। लेकिन इसके बाद भी वो न सिर्फ खड़ी हुई बल्कि शानदार अंदाज में गेंद को विकेट कीपर की तरफ थ्रो भी कर दिया। ये इतनी शानदार फील्डिंग थी जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। कमेंटेटर्स ने तो यहां तक कह दिया कि उन्होंने महिला क्रिकेट में ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था। आपको बता दें, हाई क्रिकेटर नटकन चंटम पहली बार वुमेन्स T20 चैलेंज में खेल रही हैं और ट्रेलब्लेजर्स के लिए उन्होंने शानदार फील्डिंग भी की। आपको बता दें, इस मुकाबले में उन्होंने एक शानदार कैच भी लपका, लेकिन उनकी इस फील्डिंग से हर कोई हैरान रह गया और महिला क्रिकेट की फील्डिंग को उन्होंने एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। हमने सिर्फ पुरुष क्रिकेटर में इस तरीके की फील्डिंग को देखा था, लेकिन वुमेन्स क्रिकेट में फील्डिंग के स्टैंडर्ड को थाई क्रिकेटरों ने बहुत ऊपर रखा है और एक बार फिर इसका जलवा वुमेन्स T20 चैलेंज के दौरान भी देखने को मिला। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।